हुआ नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम जैक शर्मा और आज अपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे सामने पड़ा हुआ है मैकबुक और ये वाली वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी अभी मैकबुक सिस्टम के अंदर उतर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके मैकबुक्स की सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडियंस जो है फाइनली मैकबुक्स को जो है वो ज़्यादा खरीद रहे हैं और लोगों को चलाना नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी ये वाली वीडियो जो है वो जस्ट इन केस काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जो है वो एक्यूमलेट कर रही है। तो इसका ही एक तरीके से आप सेकंड पार्ट मान लीजिए इस वाली वीडियो को। जो फीचर्स मैंने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे वो मैं इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा बिल्कुल भी, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले ये वाली वीडियो जो है वो चेकआउट करके आ जाओ और उसके बाद में जो है उसको पूरा पूरा देख लो, तो फिर अपन जो है वो इस वाली वीडियो के अंदर डाइव करते हैं। सो दिस इज नॉट अ हिडन फीचर्स, दिस इज नॉट अ रिव्यू, वो सब कुछ जो है बना चुका हूं मैकबुक्स के ऊपर पहले ही। ये सिर्फ और सिर्फ वो पांच चीजें हैं जो कि वाकई में बहुत ज्यादा शानदार होती है मैकबुक्स के अंदर और मैं डेली बेसिस पे इनको यूज करता हूं और मैं इनके बिना जी नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट। और ये फीचर्स ही वजह है कि मेरे को जो है विंडोज पे शिफ्ट करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक फुल ऑन बहुत ज्यादा ताकतवर विंडोज पीसी पीछे पड़ा हुआ है, बट मैं फिर भी मेरे सारे सारे टास्क जो है मेरे मैकबुक पे करना ही प्रेफर करता हूं। बिना कोई डाइवर्स करते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़ते हैं और वो है हॉट कॉर्नर्स। तो वो कुछ भी नहीं करना, आपको जो है वो सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहां पर जो है वो आपको लिखना है हॉट कॉर्नर्स और यहां पे दो हॉट कॉर्नर्स आएंगे, तो फिर आपको नीचे वाला हॉट कॉर्नर जो है वो सेलेक्ट करना है। ये जो है वो बेसिकली हॉट कॉर्नर का एक तरीके से शॉर्टकट है। तो यहां पर आप जो है वो चारों के चारों कॉर्नर्स के अंदर से जो है वो चीजें सेट कर सकते हो कि आपको जो है वो क्या क्या चाहिए। यहां नीचे से आप जो है वो डेस्कटॉप पे जा सकते हो, इधर से जो है आप लॉन्च पैड खोल सकते हो, तो ये सब कुछ जो है वो पूरी की पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। और अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप जो है वो इसको डैश पे भी सेट कर सकते हो, डैश पे करने से यहाँ पे जाने से कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही ज्यादा काम का फीचर है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि ये वाला फीचर जो है मुझको पहले पता पड़ चुका होता, ये बहुत ज्यादा लेट जो है वो मुझको पता पड़ा है, क्योंकि मैं अक्सर जो है मेरे पीसी के अंदर यहाँ ऊपर जाके जो है वो पहले ये दबाता हूँ उसके बाद स्लीप करता हूँ। मैं कभी भी इसको शट डाउन वगैरह नहीं करता, रिस्टार्ट भी नहीं करता, मैं हमेशा इसको स्लीप ही करता हूँ। और जैसे कि आप हॉट कॉर्नर्स में देख सकते हो मैंने यहाँ पे देख सका है पुट डिस्प्ले टू स्लीप, तो जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ कोने में लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है वो स्लीप हो जाएगी। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो पॉज नहीं हुई थी ना। सेकंड फीचर की तरफ बढ़ूं तो वो है प्रीव्यू का फीचर। लाइक जब भी आप कोई सब भी अपना फोल्डर वगैरह ब्राउज करते हो तो वहां पे वो काफी सारी फोटोज और वीडियोज हैं वो दिखती हैं और आपको उसको थोड़ा सा व्यू करना होता है, लाइक थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखना होता है, तो फिर आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा और पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा विंडोज वगैरह के अंदर। बट मैकबुक के अंदर जो है वो ऐसा नहीं चलता है। इवन फोटोशॉप फाइल को भी जो है वो आप प्रीव्यू कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या चीज है, मतलब पूरा पूरा जो है वो जूम आउट कर देता है फुल रेजोल्यूशन के अंदर। और ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ स्पेस बार के एक्शन से जो है वो काम करती है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको किसी भी इमेज के ऊपर जाना है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेस बार दबाना है और आपका जो है वो प्रीव्यू खुल जाएगा। ये वाकई में इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा शानदार है जिसकी हद नहीं। मैं अक्सर विंडोज के ऊपर भी अपन जो है वो कुछ फोटो वगैरह खोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जो नेटिव विंडोज के ऐप्स है वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं सॉरी फोटो को खोलने में, लेकिन यहां पर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर ये चीज ना ही सिर्फ अपनी फोटोज के साथ में काम करती है, ये चीज जो है वो वीडियोज के साथ भी काम करती है, तो फिर आपको पूरा का पूरा जो है दे देगी, यहां तक कि आपको जो है वो स्लाइडिंग वगैरह का ऑप्शन भी दे देगी। लाइक पूरा का पूरा एक तरीके से मिनी एप्लीकेशन टाइप जो है वो यहां पे खुल जाती है प्रीव्यू की, जो कि काफी ज्यादा शानदार वाली बात है। ये चीज जो है वो एक्सेल फाइल्स के साथ भी काम करती है, ये चीज जो है वो हर एक फाइल के साथ में काम करती है और ये मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी वाली चीज है। और यहां तक कि आप जो है वो इसको एडिट भी कर सकते हो और पीडीएफ तक में जो है वो आप पूरा पूरा देख सकते हो, मल्टीपल पेजेस जो है वो देख सकते हो पीडीएफ के, और साथ ही साथ आप जो है वो एडिट भी कर सकते हो। मतलब यहां पे दिखता है कि ओपन विद एडोब एक्रोबैट, लेकिन यहां से आप जो है वो इसके मिनिमम जो मिनिमल एडिट्स वगैरह होते हैं वो डाल सकते हो, कुछ टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर डाल सकते हो, आप इसके अंदर कुछ लिख वगैरह सकते हो, तो वो सब कुछ जो है वो डाल सकते हो उसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होता है विंडोज वगैरह के अंदर। लाइक आपको एक सर्टेन एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है और फिर पीडीएफ एडिटर खुलता है, और मतलब पीडीएफ के साथ में डील करना विंडोज में बहुत ही ज्यादा टफ पड़ता है, मैकबुक के अंदर बहुत ज्यादा आसान होता है। सेकंडली अपन आते हैं मल्टी स्क्रीन मल्टी विंडोज के ऊपर या मल्टी टास्किंग जो है उसको बोल सकते हैं बेसिकली। तो फिर आप ये देखो कि आपने मल्टीपल विंडोज जो है वो खोल ली है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप वगैरह कर रही है, लेकिन एक सिंपल जेस्चर जो है वो इनको बिल्कुल सॉर्ट कर सकता है और आप जो है देख सकते हो क्या स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या क्या खुला हुआ है। मतलब कि अभी इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा चीजें खुली हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा तो सब कुछ जो है वो सॉर्ट हो चुका है कि अच्छा मेरा स्पॉटिफाई यहाँ खुला हुआ है, मेरा ये सेटिंग्स यहाँ पे खुली हुई है, मेरा फाइंडर यहाँ पर है, मेरा ब्राउजर यहाँ पर है, मेरे मैसेजेस यहाँ पर है, तो सब कुछ जो है वो मैं एक तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ और जिस भी एप्लीकेशन में अब मुझे नेक्स्ट डाइव इन करना है वहां पर मैं जा सकता हूँ। जस्ट इन केस आपको ये वाली चीज जो है वो नहीं पसंद आ रही तो फिर आप देख सकते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप्स भी जो है वो अवेलेबल है और इन मल्टीपल डेस्कटॉप्स के ऊपर मैं ये सारे सारे एप्लीकेशन जो है वो स्विच कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है मेरा स्पॉटिफाई डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरा फाइंडर डाल देता हूँ, यहाँ पर मेरे सेटिंग्स डाल देता हूँ, यहाँ मेरे मैसेज डाल देता हूँ और इधर जो है मेरा ब्राउजर डाल देता हूँ। अब इसके ऊपर जो
है वो कोई से विंडोज है वो नहीं बची है, तो बिल्कुल जो है वो क्लीन हो चुका है। यहाँ मेरे विजिट्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं एक हल्का सा स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे मेरे मैसेज दिख जाएंगे, यहाँ पे मैं हल्का स्वाइप करूँगा तो फिर मेरा म्यूजिक दिख जाएगा, और मैं यहाँ पे स्वाइप करूँगा तो मेरा फाइंडर दिख जाएगा, इधर स्वाइप करूँगा तो फिर मेरा सेटिंग्स दिख जाएंगी, और इधर जो मेरा ब्राउजर है ही सही। तो एक सिंपल स्वाइप से जो है वो काम करता है, थ्री फिंगर स्वाइप जो है वो इसके अंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार वाली लेवल के ऊपर जो है वो कनेक्टिविटी आ जाती है। लाइक मैं अपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो डाइव इन कर सकता हूँ, मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरे वर्क प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक खटाखट खटाखट जो है विंडोज़ के अंदर मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इतने ज़्यादा लेवल्स के ऊपर इन्हेंस करती है जिसकी हद नहीं। लाइक अभी मैं म्यूजिक वगैरह सुन रहा हूँ, लाइक मैं म्यूजिक थोड़ा सा सुन लेता हूँ, लेकिन अब मेरा म्यूजिक सुनने का मन नहीं कर रहा, लाइक फटाक से जाकर मैं जो है वो काम करने लग जाऊँगा, फटाक से जाकर मैं सेटिंग्स वगैरह देख लूँगा। लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं बस इससे बता रहा हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वाकई में जब आप मल्टीपल काम करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देता है किसी भी प्रोसेस को। उसके साथ जस्ट इन केस आप जो है वो नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो और आपको जो है वो स्प्लिट स्क्रीन करनी है, लाइक आपको नहीं पसंद है विंडोज वगैरह, तो फिर आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो, जो कि विंडोज के अंदर भी होती है टू बी ऑनेस्ट, लाइक नो डाउट इन दैट। आपको स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए ग्रीन वाले डॉट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइल विंडो तो लेफ्ट आएगी और टाइल विंडो तो राइट आएगी, तो आप जो है उसको राइट कर सकते हो, और यहाँ पे दूसरा वाला एप्लीकेशन जो है वो आप स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हो। तो दोनों के दोनों एप्लीकेशन जो है वो आप स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हो बिना किसी इशू के, काफी ज्यादा शानदार तरीके से आपकी सारी सारी चीजें जो है वो चल जाएंगी। तो ये वाली चीज भी जो है वो अवेलेबल है अपने मैकबुक के अंदर। उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल के साथ में जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाली कनेक्टिविटी जो है वो ऑफर करता है। मेरी वॉच जो है मेरे लैपटॉप को अनलॉक कर देती है, मेरे फोन के नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी सिंक हो जाते हैं, मैंने फाइल्स वगैरह जो है ब्राउज कर सकता हूँ अपने आई क्लाउड वाली, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो लिटरली एक एडिशनल एड ऑन है अगर आपके पास में मल्टीपल एप्पल डिवाइसेज हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप स्टैंड अलोन मैकबुक भी लेते हो तो वो भी जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी लाइक 99% जो है वो इंक्रीज करेगा, टू बी ऑनेस्ट। आप इस वाली बात को मानो या ना मानो, मतलब ये इतना ज्यादा स्लिम है, इतना ज्यादा पोर्टेबल है और इतना ज्यादा ताकतवर है इसकी हद नहीं। नए M3 मैकबुक्स जो है वो आ चुके हैं मार्केट के अंदर, 15-inch मैकबुक एयर भी आ चुका है और मैकबुक प्रोज भी जो है वो काफी जल्दी ड्रॉप होने वाले हैं, इसीलिए लाइक सबकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करें। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ जी।